डीटीएस एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में ये आईवा टीवी है जो आप ये देख रहे हो। इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर एस आउट की प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें क्या हो रहा है कि हम चालू करते हैं टीवी को, तो उस टाइम में आगे रेड लाइट 4 टाइम ब्लिंकिंग करेगी, उसके बाद में वापस ये बंद हो जाती है। तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी पूरी पूरी जानकारी लेंगे। ये टीवी मेरे पास में एक बार पहले और भी आ चुकी है। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिलेगी। ये हमारा टीवी सेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम को आप समझे और फिर आप इसके अंदर पूरा ध्यान लगा के देखें। आज अब हमारे पास में आईवा का टीवी है, इसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है, ऑन हो रही है लेकिन रास्ता नहीं आ रहा बिल्कुल ही, इसमें ये प्रॉब्लम बनी हुई है। आईवा का सेट है ये, इसके अंदर सप्लाई आ गई है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, मीटर पे ध्यान देना। साथ में देखो यहाँ से ये आउट हो रही है, सप्लाई यहाँ से आउट है। यहाँ से ये सप्लाई आ रही है और साथ में यहाँ से देखो ये जंप है, यहाँ से एक रेस्टेंट लगी हुई यहाँ आ रही है, इसी के साथ में यहाँ से आउट हो रही है। यहाँ से सीधी आपको ये सीधी यहाँ आ रही है, देखो यहाँ पे सप्लाई नहीं बिल्कुल ही। एक बार इसको एस आउट को चेक करेंगे, मीटर को मैं कंटिन्यू मोड पे रख लेता हूँ ताकि बीप साउंड से आपको पता लग पाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बीप साउंड आ रही है, यानी ये एस आउट का प्रॉब्लम है। इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, एक बार इसको एस आउट को बाहर निकाल देता हूँ ताकि कंफर्म करेंगे बाहर निकालने के बाद में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर घंटी पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आराम से इसको बाहर निकाल देना है, पिंटे टूटे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। ये सेट बहुत ही अच्छा सेट है, आईवा का अच्छी कंपनी का सेट है, बहुत कम रिपेयरिंग आती है। यूट्यूब के अंदर भी आपको बहुत ही कम वीडियो इसके मिलेंगे जिसकी पावर संबंधी ये समस्या बनी है। यानी ये एस आउट पे चेक कर लेता हूँ, पहले एस आउट पे भी सप्लाई आ गई है, ये सप्लाई चालू है। तो ये एस आउट दूसरा लगा के चेक करेंगे ताकि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये ईएसटी को सप्लाई देने के लिए ये एक रेस्टेंट खराब हो गई थी, इसको एक ओम की लगाई मैंने, तो ये सप्लाई यहाँ से सीधा एस आउट के लिए जाएगी। यहाँ से ये लगी रेस्टेंट उड़ गई थी, इसकी जगह ये वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये हमारे वोल्टेज आ गए हैं। यानी ये एस आउट पे चेक कर लेता हूँ, पहले एस आउट पे भी सप्लाई आ गई है, ये सप्लाई चालू है। तो ये एस आउट दूसरा लगा के चेक करेंगे ताकि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अंदर में एक दूसरा 28.03 लगा देता हूँ इसको ताकि एक बार चेक आउट कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक करने के लिए लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ बाहर की साइड ही लगाऊंगा। आपको अगर अलग से डाउट हो तो आपको ये 115 वोल्ट की सप्लाई जाए, इसके बीच में सीरीज में एक 100 वाट का लैंप लगा देना ताकि आपको ऐसा उड़ने का डर नहीं रहे, ताकि ये लैंप जल जाएगा तो ऐसा उड़ेगा नहीं। ये आप ऐसा लगा के भी चेक कर सकते हो। मुझे ये कंफर्म है कि भी ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ये 100 वाट का लैंप नहीं लगे, नहीं तो मैं हमेशा लगाता हूँ।
एक बार बारी में ऐसा उठ लगा कि एक बार चेकअप कर लेते हैं ताकि सही से पता लग पाएगा। आपको सॉर्टिंग कर देना है, खुला नहीं छोड़े ऐसा उठ लगाने के बाद में। अच्छे से आपको सॉर्टिंग करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको सही तरीके से लगाना, उल्टा नहीं लगाए, इस बात का भी ध्यान रखें कि नीचे कैसा लगा हुआ था, यहाँ पे कौन सा लगाए को कौन सा कलेक्टर भेजे, आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार वापस सप्लाई लगा देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, हमारा सेट चालू होता है। क्या है, चालू हो गया हमारा सेट, ये सेट कंप्लीट है। अभी इसको पहले एस आउट को सही तरीके से लगा देता हूँ मैं। आगे मेरा रास्ते आ गया है वीडियो इनका। एक बार पहला अंदर की साइड लगा देता हूँ इसको, फिर आपको मैं डिटेल देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ओपन रहने से ये उड़ जाएगा। आइवा का किट बहुत कम चांस होता है कि खराब होता है, बहुत कम। ये मेरे पास में यहाँ पे मेरे इलाके के अंदर चांस है 8 का। ये टीवी है, बहुत कम रिपेयर में आती है। आइवा का सेट यानी बहुत अच्छा सेट है, और इसकी ईएसटी मेरे इलाके में अभी भी ईएसटी के लिए एक मेरे पास दूसरा सेट पड़ा है, इसकी मेरे को ईएसटी नहीं मिली है। तो मैंने दुकान वाले को लिख के दी है, वो ला के देगा मेरे को। एक बार इसको फिटिंग कर लेते हैं पहले। इसको मैं इसकी जगह मैं 18-03 लगा रहा हूँ, मेरे पास में यही है और ये चलेगा अभी। और साथ में ये इसके है नंबर D2333 2333, इसके नंबर है और आगे डी का है। ये इसके सेम नंबर है जो कंपनी के लेके हुए थे। इसको रिसॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसके साथ में इसको भी निकाल देता हूँ, वो साइड में लगा देता हूँ। एक बार इसकी सप्लाई ऑन कर लेता हूँ, तो साथ में आपके कितने वोल्टेज आउटपुट मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। सेट हमारा चालू है, कंप्लीट हो गया। इसके वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये इसके आउटपुट वोल्टेज है, इसके साथ में या 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई मैंने, 15 आ रहा है और 15 है यहाँ पे, और B+ पे 15 वोल्ट जा रहा है। और साथ में इसके वोल्ट कौन सा आउटपुट है, यहाँ पे एक सप्लाई है, पता नहीं यहाँ पे डायोड का निशान है लेकिन डायोड है नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, इसकी भी चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सप्लाई और मिसिंग है, साउंड नहीं आ रही। ये साउंड विभाग का ये सेक्टर है, इसका आवाज
यहाँ पे एक मिसिंग है, ये दो ही सप्लाई निकल रही है, इसके साथ में यहाँ पे कितनी आ रही है, ये सीधा कपलर पे जा रही है, ये सप्लाई कपलर के ऊपर जा रही है, और ये आउटपुट है इसमें, ये ग्राउंडिंग 25 वोल्ट ये ऑडियो आउटपुट के लिए ही है। हमारा सेट कंप्लीट है, एक बार इसको ऑन कर लेते हैं पहले। दिया हुआ है ये आईवा टीवी का, ये ऑडियो बोर्ड का ये सर्किट है, अलग से लगा हुआ है इसके अंदर, दूसरे में अलग से नहीं आता, साथ नहीं आता है। हमारा सेट कंप्लीट है इस टाइम में, आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें।